वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ विशेषताओं गलत हो गया। भारत में रेलमार्ग की विस्तृत वर्णन कर। ये दोनों क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 19, 15, 14, 13 इसमें लिख नहीं पाए हैं, इसे 3-4 बार जरूर रिपीट है ये क्वेश्चन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी, एशिया में कौन सा स्थान है भारतीय रेलवे का? प्रथम स्थान है, एवं विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। एशिया की कौन सी? प्रथम एवं विश्व की तीसरी, ठीक है। अगर एशिया का, एशिया में पूछेगा भारत भारतीय रेलवे का स्थान कौन सा है तो पहला, अगर विश्व में पूछेगा तो विश्व में क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1853 में हुआ। कब हुआ भारत में रेल की शुरुआत? 6 अप्रैल 1853 में। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो स्टार्ट हुआ ये कहां से कहां हुआ? तो मुंबई से थाने के बीच। कहां? मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर के लिए? तो 34 किलोमीटर के लिए इसको स्टार्ट किया गया सबसे पहले। कब? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। क्लियर हो गया? कितने किलोमीटर के लिए? 34 किलोमीटर के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक उद्देश्य के लिए भारत में रेलवे का जाल बिछाना शुरू किया। भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए 17 जोनों में बांटा गया। आपके बुक में 16 ही जोन दिया होगा, लेकिन एक नया जोन बना है तो 17 जोन हो गया टोटल, ठीक है। आपके बुक में कितना दिया हुआ? 16, लेकिन वर्तमान में 17 जोन है, 17 जोन में बांटा गया है। देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे है। कौन सा है सबसे बड़ा? उत्तर रेलवे। तथा सबसे छोटा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? उत्तर रेलवे, एवं सबसे छोटा कौन हो गया? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। कितने जोनों में बांटा गया? 17 जोनों में। तो कितना ऑब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव पढ़ने से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब चलते हैं भारतीय रेल की विशेषता पर। तो भारतीय रेल की निम्नलिखित विशेषता है। पहला देखिए, देश के विभिन्न महानगरों में क्या हुआ? मेट्रो रेल चालू की गई, ठीक है। देश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल चालू की गई है, यह पहला विशेषता हो गया। दूसरा देखिए, कई तीव्रगामी रेल सेवाएं जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो गया, गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस आरंभ की जा चुकी है। ये सब रेल कौन हो गया? तीव्रगामी, यानी जल्दी फास्ट चलने वाला ट्रेन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये सब कौन हो गया आपको? शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, जनशताब्दी एक्सप्रेस हो गया, ये काफी फास्ट चलती है, इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट विशेषता पे चलते हैं। तीसरा विशेषता है कि माल ढुलाई के लिए मालगाड़ियों में प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन लगाई जा रही है। चौथा हो जाएगा कि रेल दुर्घटना को रोकने के लिए स्वनियंत्रित युक्त रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की गई है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रेल दुर्घटना को रोकने के लिए स्वनियंत्रित युक्त रक्षा कवच कौन सा चलाया गया? ACD की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट विशेषता है कि 1 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय द्वारा क्या, कौन सी बीमा? यात्री बीमा योजना शुरू की गई। कब? 1 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरकृत आरक्षण का प्रावधान है। सातवां है कि छोटे शहरों को महानगरों से एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा रही है, ठीक है। छोटे शहरों और महानगरों को जोड़ने के लिए कौन सी? जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। आठवां है कि विश्व के सबसे अधिक विद्युतकृत रेलगाड़ियां रूस के बाद भारत में चलती है, ठीक है। विद्युतकृत रेलगाड़ी अगर पूछेगा सबसे अधिक कहां चलती है, तो रूस में चलती है, उसके बाद अपने भारत में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर पॉइंट कि भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी, ये तो पहले डिस्कस कर लिए, तथा विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
दसवां है कि भारतीय रेल के सबसे अनोखी विशेषता है कि जीवन रेखा का चलाया जाना। 16 जुलाई 1991 से चलने वाली रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है। ठीक है, तो ये 10 विशेषता हो गया, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है। ये भी क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआर लगा सकते हैं, ज्योग्राफी का ही है। भारत में प्राचीन काल से ही जलमार्ग का विशेष महत्व रहा है। भारत के लिए जलमार्ग का महत्व इस प्रकार है। ये ऊपर में हेडिंग दे देना है कि भारत में प्राचीन काल से ही जलमार्ग का क्या रहा है, विशेष स्थान रहा है। भारत के लिए जलमार्ग का महत्व इस प्रकार है। पहला है कि यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन। क्या है ये जलमार्ग? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रखरखाव का खर्च नहीं होता है। ठीक है, इसमें जलमार्ग में। तीसरा है कि अधिक भारी सामानों का परिवहन जलमार्ग द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए पेट्रोल का टैंक आता है, ये सब कहां से आता है, जलमार्ग के द्वारा ही आता। तो वही करेंगे, अधिक भारी सामानों का परिवहन जलमार्ग के द्वारा किया जाता है, ये तीसरा हो गया महत्व। चौथा महत्व देखिए, समुद्री धाराओं और नदियों के प्रवाह की दिशा में ईंधन कम लगने से परिवहन खर्च कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, समुद्री धाराएं और नदियों की प्रवाह जो होती है उससे ईंधन कम होता है, क्योंकि वो धारा उसको फोर्स करता है तो उससे कम ईंधन खर्च होता है। तो वही है कि समुद्री धाराओं और नदियों के प्रवाह की दिशा में ईंधन क्या होता है, कम लगने से परिवहन खर्च कम हो जाता है। पांचवा है कि इसके लिए विशेष मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 5 पॉइंट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।